नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच नॉटिंघम में ड्रॉ पे समाप्त हो चुका है, क्योंकि दोस्तों पहले टेस्ट मैच के आखिरी दिन पूरा हमें बारिश देखने को मिली और पूरे दिन एक भी गेंद का खेल नहीं हो पाया। इस वजह से अनफॉर्चुनेटली वो मैच ड्रॉ पे समाप्त हो गया, जहां पर दोस्तों हम सभी भारतीय फैंस इसके अलावा इंडियन टीम अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रही है, क्योंकि भारतीय टीम के पास पहले टेस्ट मैच में जीतने का बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका था, क्योंकि आखिरी दिन भारत को 157 रन चाहिए थे और 9 विकेट हाथ में थे। ऐसे में दोस्तों भारत की जीत एकदम जो है वो पास लग रही थी, लेकिन बारिश की वजह से भारत वो जीत से महरूम रह गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे टेस्ट मैच की, जो कि खेला जाएगा 12 से 16 अगस्त के बीच में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में। और इस मैच में दोस्तों भारतीय टीम किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि इस मैच का लाइव टेलीकास्ट कौन कौन से टीवी चैनल्स या मोबाइल ऐप पे होने वाला है और आप इस मैच को लाइव कैसे देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप इस मैच का लाइव टेलीकास्ट बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। तो दोस्तों ओवरऑल ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड ऐसे ही छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच 12 से 16 अगस्त के बीच लंदन के लॉर्ड्स मैदान में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर के 3:30 बजे से स्टार्ट होने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले ओपनर्स की बात कर लें तो दोस्तों यहां पे आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि केएल राहुल और रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी करी थी और भारत को पहली पारी में 97 रन की ओपनिंग साझेदारी करके दी थी। तो यहां पे मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा, क्योंकि केएल राहुल इस समय गजब की फॉर्म में, पहले उन्होंने प्रैक्टिस मैच में शतक बनाया, उसके बाद दोस्तों पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में भी अर्धशतक बनाया था और भारत की तरफ से वो टॉप स्कोरर रहे थे। वहीं पर दूसरी पारी में भी जितनी बल्लेबाजी करी तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर आपको कोई चेंज देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों रोहित शर्मा ने भी पहली पारी में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव प्रदर्शन किया था, हालांकि वो बड़ा स्कोर नहीं बना पाए थे, लेकिन यहां पर आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 3 की, तो यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा के ऊपर लगातार क्वेश्चन मार्क्स उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी फॉर्म जो है वो लंबे समय से बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। लेकिन दोस्तों विराट कोहली ने बताया था कि चेतेश्वर पुजारा पे हम बैक कर रहे हैं और जितने बड़े वो प्लेयर हैं वो बाहर की आवाज़ों को ज़्यादा नहीं सुनते हैं और वो अपने गेम पर ध्यान लगाते हैं। तो जैसे ही उनकी बैकिंग अभी उनको मिल रही है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि उन्हें दूसरे टेस्ट मैच में भी मौका दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने पहली पारी में कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और वो बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन विराट कोहली और टीम इंडिया की बैकिंग चेतेश्वर पुजारा पास है, इस वजह से मुझे लगता है कि नंबर 3 पे आपको चेतेश्वर पुजारा ही खेलते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं दोस्तों नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है और आपको यहाँ पे इंडिया के कैप्टन विराट कोहली बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, और उनके लिए भी ये टेस्ट मैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लगभग 2 साल होने वाले हैं और विराट कोहली के बल्ले से अभी तक कोई भी शतक हमें देखने को नहीं मिला इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो विराट के लिए भी ये टेस्ट मैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ बैट्समैन। इसके बाद दोस्तों नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे आपको अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन भारत के खेलते हुए दिखते हुए नजर आएंगे, और इसके बाद दोस्तों नंबर 6 की बात करें तो वहाँ पे आपको विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में गजब की विकेटकीपिंग करी थी, हालांकि बल्ले से वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन वो लॉर्ड्स में इसको बेहतर करना चाहेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 7 की, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट हो रही है कि नंबर 7 पे आपको रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे या फिर आप रविचंद्रन अश्विन के साथ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों पहले टेस्ट मैच में भी रविंद्र जडेजा के सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए थे कि क्या उनको अश्विन के ऊपर तरजीह देना सही फैसला था, लेकिन दोस्तों जडेजा ने अपने बल्ले से सबको गलत प्रूव किया था और ये दिखाया था कि मैं बल्ले से कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ इंडियन टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका प्रदर्शन था पहले टेस्ट मैच में बल्ले के साथ, यहाँ पर कोई चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा और आपको रविंद्र जडेजा भी लॉर्ड्स में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगर नंबर 8 की बात करें तो पहले टेस्ट मैच में नंबर 8 पे आपके लिए शार्दुल ठाकुर ने अच्छा प्रदर्शन किया था और गेंद के साथ पूरे मैच में 4 विकेट लिए थे, तो ऐसे में हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर ही लॉर्ड्स के मैदान में भी आपको खेलते हुए नजर आए, क्योंकि लॉर्ड्स में हिस्टोरिकली जो पिच होती है वो सीमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती है। लेकिन दोस्तों अगर वहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो हो सकता है कि विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट थोड़ी सी हार्श कॉल ले ले और शार्दुल ठाकुर की जगह आपको रविचंद्रन अश्विन प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं, तो हो सकता है कि ये एक चेंज हो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई चेंज हो सकता है यहाँ पे। अब इसके बाद दोस्तों नंबर 9 की बात कर लें तो वहाँ पे आपको मोहम्मद शमी एज इट इज़ खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में भी कोई खास बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी के साथ टीम मैनेजमेंट जाएगी। इसके बाद दोस्तों नंबर 10 की बात कर लें तो जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में दमदार वापसी करी थी जसप्रीत बुमराह, वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे और गेंद और बल्ले के साथ दोनों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, जहां पर गेंद के साथ उन्होंने मैच में 9 विकेट लिए थे, वहीं पर पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में बल्ले के साथ भी बहुत ज़्यादा यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। और नंबर 11 की बात करें तो दोस्तों वहाँ पर आपको मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जिनका भी पहले टेस्ट मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके की प्लेइंग 11 आपको इंडियन टीम की तरफ से दूसरे टेस्ट मैच में देखने को मिल सकती है। आपकी इस प्लेइंग 11 पे क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस दूसरे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे में। तो इंडिया में इस दूसरे टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट 3 चैनल्स पर होने वाला है, जहां पर सोनी 6 पर इस टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट इंग्लिश कमेंट्री में किया जाएगा, वहीं पर सोनी 10-3 पर इस टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट हिंदी कमेंट्री में होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों सोनी 10-4 पर तमिल और तेलुगु कमेंट्री में भी इस टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट देखा जा सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की, तो आप सोनी लिव एप्लीकेशन की मदद से भी इस टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट इंडिया में देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं उस फ्री एप्लीकेशन के बारे में, जिसकी मदद से आप इस टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों जितने भी जियो सिम यूजर्स हैं वो अपने फ़ोन में जियो टीवी ऐप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि दोस्तों जियो टीवी ऐप में आपको सोनी के सभी स्पोर्ट्स चैनल्स मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप इस दूसरे टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर पाओगे। सो फ्रेंड्स वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।